अगर आप फैटी या ओबेस हो तो आपके लिए गोल सेट करना आसान है, आपको भाई फैट लॉस के ऊपर ध्यान देना है। वहीं पर अगर आप एक स्किनी हो तो आपको मसल गेन के ऊपर ध्यान देना है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आता है ना जब आप इन दोनों के बीच में फंस जाते हो, जिसे हम बोलते हैं स्किनी फैट सिचुएशन। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि स्किनी फैट का रीज़न क्या है और आप कहाँ पर गलती कर रहे हो और उसका सोल्यूशन क्या है। और वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप एक टीनेजर हो, मतलब आप 15 साल के नीचे हो, तो भाई आपके लिए कौन सा वर्कआउट एंड कौन सा डाइट सबसे बेस्ट होने वाला है। इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक वीडियो को देखना है, नहीं तो हो सकता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो ये आपको समझ में ही ना आए। किडनी फैट फिजिक जो होता है ना, एक्चुअल में उनके बॉडी में ज़्यादा फैट नहीं होता है, फिर भी उनका बॉडी सॉफ्ट दिखता है, आउट ऑफ शेप दिखता है। इसका जो मेन कारण है ना वो यही कि भाई सीरियसली मसल डेफिनेशन का अभाव। ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बॉडी कंपोजिशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देके वेट लॉस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपके बॉडी को एक अच्छा लुक देने के लिए फैट के कंपैरिजन में आपके बॉडी में कितना मसल से वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। दोनों ही फोटो में मेरा वेट 69 केजी है और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 10-11% ही है, लेकिन लुक में जमीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि जो दूसरा फोटो है ना, सेकेंड फोटो है ना, उसमें मैंने अच्छा खासा मसल गेन किया हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई स्किनी फैट क्या है। अब हम बात करेंगे उन तीन सबसे आम गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं तो आपके मसल बिल्ड कैसे होंगे। और जो भी लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं ना वो गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे जितने भी कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, इन सारे एक्सरसाइज के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। वो ज़्यादातर लाइट वेट के साथ हाई रिपीटेशन लगाने की कोशिश करते हैं ताकि भाई उनके बॉडी में कट्स आ जाए। अगर आप ये सारी गलतियाँ करते हैं ना तो आपके मसल बिल्ड होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये हम सबको पता है कि भाई फैट लॉस करने के लिए हमें नेगेटिव कैलोरी बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन यहीं पर ही आप दूसरी गलती करते हो। अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 कैलोरी है और आप डाइट स्टार्ट कर रहे हो 900 कैलोरी या फिर 1000 कैलोरी से, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि भाई अगर आप ड्रास्टिकली इतना कैलोरीज कम कर दोगे ना तो भाई आपका प्रोटीन इंटेक जो है ना वो भी ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा, और मसल गेन करने के लिए या फिर उसे मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन बॉडी को प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आप स्किनी फैट ही बने रहोगे। तीसरी गलती आप ये करते हो कि भाई पहले से ही आपने कैलोरी बहुत कम कर लिया है, ऊपर से आप लो इंटेंसिटी स्टेडी सेट कार्डियो बहुत लंबे टाइम तक करते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कार्डियो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको कार्डियो करना है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 दिन करना है। अगर आप हीट कार्डियो कर रहे हो ना तो आपको भाई 10 से 20 मिनट के अंदर ही करना है। अगर आप लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो कर रहे हो तो वहाँ पर आपको 20 से लेकर 40 मिनट तक करना है, लेकिन उससे ज्यादा आपको कार्डियो नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कार्डियो करेंगे ना तो आपके मसल बिल्ड होना बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाएगा। गलतियों के बारे में तो मैंने भाई बता दिया है, अब हम बात करेंगे भाई सॉल्यूशन के बारे में। जो फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है वो ये कि आपको मॉडरेट से मॉडरेट हैवी वेट यूज करना है, लेकिन विद प्रॉपर फॉर्म। फॉर्म के साथ आपको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फोकस ज़्यादा करना है कंपाउंड मूवमेंट के ऊपर, जैसे कि स्क्वाट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपर एंड लोअर बॉडी स्प्लिट ही फॉलो करें, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्किनी फैट बंदों के लिए। अगर आपको स्प्लिट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए ना तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा तो ये वीडियो उतना जल्दी आएगा। अभी आप जितना कैलोरी खा रहे हैं अगर वो आपके मेंटेनेंस कैलोरी से 1000 कैलोरी या उससे ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे आपको भाई रिवर्स डाइट फॉलो करना है। आपको हर हफ्ते 150 कैलोरी बढ़ाते रहना है जब तक आप आपके मेंटेनेंस कैलोरी तक ना पहुँच जाए। अगर आप नेगेटिव कैलोरी बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं और आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15% से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे आपका TDEE मतलब मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उससे 20% कम कैलोरी से आपको आपका डाइट स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये कैलोरी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कौन से फूड ऐड करना है, कौन से फूड आपको अवॉइड करना है, ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए ना तो आपको मेरा ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज फॉलो करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं अभी आई बटन पे दे रहा हूँ, आप वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15% से कम है और आपको जिम करते हुए अभी 2 साल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको 2 महीने के लिए जिम बंद करना पड़ेगा और डाइट में आपको मेंटेनेंस कैलोरी ही लेना पड़ेगा। अगर आपके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं तो यहाँ पर आपको लीन मास गेन डाइट फॉलो करना है, और ज़्यादा आपको फोकस देना है भाई स्ट्रेंथ गेन के ऊपर एंड कंपाउंड मूवमेंट के ऊपर। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, आपको हमेशा सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। आपको 1.2 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए।
यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप एक टीनेजर हो यानी कि आप 15 साल से कम के उम्र के हो तो आपको कभी भी कोई भी रेस्ट्रिक्टिव डाइट प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अभी आपका बॉडी मैच्योर नहीं हुआ है और इस उम्र में थोड़ा सा बेबी फैट स्टोर होना बहुत ही आम बात है। जब आप 15 के 16 के हो जाओगे और आपका टेस्टोस्टेरोन स्पाइक होना स्टार्ट होगा तब ये बेबी फैट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भाई जितना हो सके जंक फूड को अवॉइड कीजिए और हेल्दी फूड खाने का आदत डालिए, और उसके साथ साथ घर में वर्कआउट कीजिए। और एक टीनेजर के लिए कौन कौन से वर्कआउट सही रहता है उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं अभी आई बटन पे दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से सीख सकते हैं और वो वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और भाई इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, और आपके इस चैनल को ग्रो कराने के लिए आप भाइयों का प्यार एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए भाई जितना हो सके ना तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको लगता है मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में।